fine and great and welcome back to my channel Stylist Priya. So today I'm going to share with you wedding guest makeup look guys. और ये look काफी ज्यादा simple and बहुत ज्यादा easy रहेगा. इस look को कोई भी create कर सकता है और इस look में मैं कोई foundation use नहीं करने वाली, मैं कोई और ही चीज use करने वाली हूँ. मैं काफी ज्यादा excited हूँ क्योंकि वो चीज मैंने कभी भी use नहीं की, तो मैं first time use करूंगी और साथ साथ में जो मेरा outfit है वो भी मैं आपके साथ share करूंगी. And अब मैं चैनल पे first time आया हूँ तो guys please मेरे channel को subscribe कर देना, तो आपको हर वीडियो की notification मिलती रहेगी. So let's start video. फर्स्ट प्रोडक्ट मैं पिक करने वाली वो है माय ऑल टाइम फेवरेट वाला मॉइस्चराइजर. सो मैंने यहाँ पे पिक किया है चिया सीड्स मॉइस्चराइजर गाइस. काफी स्मूथ एंड इससे स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है. सेकंड चीज, अभी नायका पे बहुत ही अच्छा सेल चल रहा है, तो अब सेल में बाय करो तो काफी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा. बट इसकी ओरिजिनल प्राइस काफी ज्यादा हाई है, सो इसकी ओरिजिनल प्राइस में कभी मत बाय करना क्योंकि सेल में बाय करना ज्यादा बेटर रहता है. सेकेंड चीज, आप बेसिक सा बेसिक भी मेकअप करते हो ना, तो भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि आप स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, देन आप बाकी के प्रोडक्ट यूज करो क्योंकि वो आप ही की स्किन के लिए बेटर है. देन इसका स्ट्रक्चर काफी स्मूथ है, तो वो चीज मुझे काफी बेटर लगती है. और इसका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा बेबी पिंक कलर का प्रोडक्ट है, काफी स्मूथ, मतलब इतना स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ मॉइस्चराइजर है, तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी. एंड इसको मैं अपने ओवरऑल पूरे फेस पे लगाऊंगी. सो अभी मैंने थोड़े से अपने बाल कॉम कर लिए और अभी मैं थोड़ी सी ठीक देख रही हूँ क्योंकि पहले तो मैं झलरी जैसी देख रही थी. सो नेक्स्ट है प्राइमर. सो मैंने यहाँ पे पिक किया है नायका का फेस प्राइमर गाइस. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है सिलिकॉन बेस है. सेकंड चीज, प्राइमर लगाने से क्या होता है, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है, तो हमें वही चीज चाहिए. और एक और चीज, आपका जो बेस है बहुत ही ज्यादा स्मूथ दिखता है, मतलब केक ही नहीं दिखता प्राइमर लगाने के बाद, तो प्राइमर तो यूज करना ही है. सो इसको मैं अपने ओवरऑल पूरे फेस पे लगाऊंगी. और ये प्राइमर ऑल स्किन टोन वालों के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो. और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, काइंड ऑफ व्हाइट व्हाइट, मतलब व्हाइट नहीं, वॉटरी वॉटरी बोलूंगी थोड़ा सा, सो वैसा कुछ है. सो इसको मैं अपने ओवरऑल पूरे फेस पे लगाती हूँ. आज के वीडियो में मैं कोई फाउंडेशन यूज नहीं करने वाली. सो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लैक्मे की 95 CC क्रीम और उसमें मेरा सेज है 1 बेज. तो आज के वीडियो में ये वाली क्रीम यूज करने वाली हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कैसा लुक आएगा इससे, बट फिंगर क्रॉस के अच्छा ही है. और ये ऑल स्किन टोन वालों के लिए है, तो आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो. एंड जिनको ज्यादा मेकअप लगाना एवरीडे में पसंद है कि हाँ यार मेकअप के बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो. मैं लगाने के बाद दिखाऊंगी कि मेरे पे कैसा लग रहा है. सेकेंड चीज है यहाँ पे जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है Maybelline Fit Me की स्ट्रॉबिंग क्रीम. सो इस दोनों को मैं साथ में यूज करूंगी गाइस. इसका सिर्फ मैं 1 ड्रॉप लूंगी और इसके 2-3 ड्रॉप्स ले लूंगी क्योंकि इतना इनफ होगा. देन उसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ. सो जैसे कि मैं अपने हैंड्स पे ले रही हूँ कुछ स्टेप से. सो मैंने कुछ इतनी क्रीम ली है और उसी के साथ मैं मिक्स करूंगी अपनी स्ट्रॉबिंग क्रीम और अपने फेस पे लगा लूंगी. ये है फाइनल रिजल्ट, काफी अच्छे से वर्क कर रहा है सीसी क्रीम. मुझे लग रहा था इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बट आई लव दैट, काफी अच्छा लग रहा है. मेरा फेस काइंड ऑफ ग्लोसी ग्लोसी वैसा बोलो ना, वैसा काइंड ऑफ है, काफी स्मूथ दिख रहा है, मतलब ज्यादा हेवी नहीं लग रहा है फेस, तो वो चीज मुझे ज्यादा बेटर लगी. नेक्स्ट है कंसीलर. सो मैंने यहाँ पे पिक किया है फिटमी का कंसीलर और उसमें मेरा सेज है 10 Fair Light. ये काफी स्मूथ कंसीलर है, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है. एंड मुझे कहीं पे यूजली जाना होता है ना, और सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, तो मैं सिर्फ इसको लेके जाती हूँ, और चीज लेके जाने का मतलब ही नहीं बनता है. बट अभी मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया है, वो लैक्मे की सीसी क्रीम भी, यस, तो मैं उसको भी लेके जा सकती हूँ. काफी दोनों काफी अच्छे हैं, मतलब छोटे छोटे से हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं. सो इसको मैं अपने अंडर आईज एरिया में लगाऊंगी, बट हल्का सा, काफी ज्यादा हैवी नहीं करूंगी, जस्ट मुझे लगता है कि वहां पे लगाना चाहिए, सिर्फ मैं वही लगाऊंगी. यहाँ पे मैं
यूज करने वाली हूँ वो है मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर और उसमें मेरा शेड्स है NC20। सो ये मैक का स्टूडियो फिक्स में यूज करूंगी अपने फेस पे क्योंकि उससे फेस ज्यादा फ्लॉस दिखेगा एंड जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बैलेंस हो जाएगी सारी चीजें। आई मेकअप सो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ माई फेवरेट हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड आई पैलेट। गाइस काफी सुंदर सा पैलेट है एंड लुक एट दैट, काफी सुंदर कलरफुल पैलेट है। मेरा ये ऑल टाइम वाला तो नहीं बट माई जितना भी कलेक्शन है उसमें ये फेवरेट है मेरा, ये वाला पैलेट। सो उसमें से मैं कोई एक शेड पिक करूंगी, जैसे कि मैं इसमें से पिक करने वाली हूँ ये वाला शेड्स और इसका नाम है हिना। यस, ये वाला शेड्स पिक कर रही हूँ और उसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ दिस ब्यूटीफुल गोल्डन शेड्स और उसका नाम है बेल और उसी के साथ मैं यूज करने वाली हूँ एक फ्लैट ब्रश और उसको मैं अपनी हाफ हाईलाइट पे लगाऊंगी। वाओ, बहुत ही सुंदर कलर है यार। नेक्स्ट पैलेट मैं यूज कर रही हूँ स्वीस ब्यूटी का और उसमें से मैं पिक करने वाली हूँ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर और यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपनी रिंग फिंगर और उसको मैं अपनी हाफ हाईलाइट पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सी माय आईज ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट है लाइनर। सो मैंने यहाँ पे पिक की है लैक्मे की वाटरप्रूफ आईलाइनर। सो यहाँ पे मैं एक विंक लाइन ड्रॉ करूंगी। दोनों आईज में आईलाइनर लग चुके हैं, मेरी आईज काफी ज्यादा बोल्ड लग रही है। सो नेक्स्ट है मस्करा। सो मैंने यहाँ पे पिक की है लस पैराडाइज मस्करा, एक काफी ज्यादा अच्छी मस्करा है गाइस। आपको लेसेस लगाना नहीं पसंद तो आप ये वाली मस्करा ट्राई कर सकते हो, इससे लेसेस बहुत ही अच्छे फ्लफी एंड बहुत ही ज्यादा लॉन्गर दिखते हैं। सो वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का पैलेट और उसमें से मैं पिक कर रही हूँ ब्यूटीफुल पिंक शेड्स और उसको मैं यूज करूंगी अपनी वॉटर लाइन के लिए। नेक्स्ट है ब्लश। तो मैंने यहाँ पे पिक किया है बेनिफिट का ब्लश गाइस और उसका कुछ शेड ऐसा कुछ है, पीच कलर का ब्लश है बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। हाइलाइटर एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला हाइलाइटर है गाइस, ये मेरा मोस्ट फेवरेट वाला हाइलाइटर है और ये है मेबिन का मास्टर चॉकर हाइलाइटर। बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है गाइस, कुछ ऐसा है।
लास्ट पार्ट गाइस लिपस्टिक, सो मैंने यहाँ पे पिक की है मिलानी की ब्यूटीफुल पिंक कलर की लिपस्टिक और उसमें मेरा साइज है 11, परफेक्ट, काफी सुंदर साइज है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये। गाइज काफी सिंपल सा लुक था आई नो, बट काफी सुंदर सा लुक है। आप डेफिनेटली इस लुक को क्रिएट करो एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन, टाटा।